यूपी की नगीना लोकसभा से चंद्रशेखर आजाद को मिली जीत। रायसेन में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने मनाया जश्न, आतिशबाजी के साथ शहर में निकाली रैली। सरगुजा पुलिस अधीक्षक ने पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक, लंबित मामलों को लेकर प्राप्त जानकारी, निराकरण के लिए जल्द कार्रवाई के निर्देश। अंबिकापुर में नवीन कानून संबंधी प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन, राजपत्रित पुलिस अधिकारी रहे मौजूद, नए कानूनों के परिपालन के निर्देश। अंबिकापुर में स्वच्छ हरित ग्राम सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन, जिला पंचायत सीईओ नूतन कंवर ने किया आयोजन, स्वच्छता के प्रति ग्रामवासियों को किया प्रेरित। पन्ना पुलिस ने लूट की घटना का किया खुलासा, पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार, आरोपियों से लूट का सामान समेत हथियार बरामद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुडिंगे शुरुआत करते हैं, खबर कवर्धा से है जहां पर पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने वर्तमान पंडरिया विधायक भावना बोहरा पर तीखा प्रहार किया है। आपको बताते चले कि बीते दिनों कुकरदूर हादसे के मृतकों के सभी 24 बच्चों को गोद लेने की घोषणा भावना बोहरा ने की थी, जिसमें पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि देश में दूसरों के संतानों को गोद लेने के लिए हिंदू दत्तक ग्रहण और साथ ही भरण पोषण अधिनियम 1959 लागू है और इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गोद लेने के लिए अनेक शर्तों की पूर्ति होना आवश्यक है। इनमें से प्रमुख है, बच्चे और गोद लेने वाले की आयु में कम 21 साल का अंतर होना चाहिए। यदि बच्चा पुत्री है तो गोद लेने वालों की स्वयं की कोई पुत्री नहीं होनी चाहिए। यदि गोद लेने वाला का स्वयं का पुत्र है तो पुत्र को गोद नहीं लिया जा सकता और ऐसे में बच्चे को गोद नहीं लिया जा सकता। और साथ ही आपको बताते चले कि जिसकी आयु 15 साल से अधिक है, इसी के साथ में पूर्व मंत्री ने समस्त प्रावधान विधायक भावना को बताए। अब वो देखिए, मेरी जानकारी के हिसाब से कबीरधाम जिले के कुकदूर के पास एक सड़क हादसे में 19 लोगों की मौत हुई थी। अब वो 19 लोगों की मौत हुई थी, उनके परिवारों के लगभग 24 लोगों को स्थानीय विधायक के द्वारा गोद लेने की घोषणा की गई थी। उसमें 16 नाबालिग थे और 8 बालिग थे। इसमें जो कानूनी प्रावधान है, जिसको हम कहते हैं कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, इसमें जो दिए गए प्रावधानों के अनुसार यदि जो गोद लेने वाला है उसके पहले से यदि कोई पुत्री है तो वो किसी बालिका को गोद नहीं ले सकती और यदि पुत्र है तो किसी बालक को गोद नहीं ले सकती। इस मामले में ये भी है कि 16 लोग नाबालिग हैं और 8 बालिग हैं, जबकि 15 वर्ष से अधिक उम्र वालों को भी गोद नहीं लिया जा सकता। जिस बच्चे को गोद लिया जाएगा तो 21 साल के उम्र का अंतर होना चाहिए जो गोद लेने वाला है उसके साथ। इन सब प्रावधानों के अंतर्गत जो बच्चा गोद में चला जाता है उसके समस्त अधिकार जिस कुटुंब में वो पैदा हुआ है वहां से उसके सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं और उसको जिस कुटुंब में वो जाएगा उस कुटुंब में उसको सारे अधिकार प्राप्त इस प्रकार से हो जाएंगे जैसे कि वो उसी कुटुंब में जन्मा हो। यहां तक कि जिस कुटुंब में उसको जाना है वहां के संपत्तियों में भी उसका अधिकार हो जाता है। अब इस मामले में क्या होने जा रहा है ये भीम आर्मी के आजाद समाज पार्टी के आपको बताते चले कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की नगीना लोकसभा से 151,473 वोटों से जीत हासिल की है। भारत के बहुजन समाज भी मुखर आवाज युवा नेता चंद्रशेखर आजाद के सांसद बनने पर जितेंद्र मूल निवासी के रूप में नेतृत्व में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की ओर से रायसेन में जीत का जश्न धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान मौके पर रायसेन जिले के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं ने रायसेन टोल प्लाजा पर एकत्रित होकर डीजे ढोल और आतिशबाजी के साथ शहर में रैली निकालकर खुशी जाहिर की है। सरगुजा पुलिस अधीक्षक की ओर से कोऑर्डिनेशन सेंटर में राजपत्रित पुलिस अधिकारियों समेत समस्त थाना और चौकी प्रभारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समीक्षा बैठक में पुलिस अधीक्षक ने थानावार लंबित अपराध और लंबित चलान के बारे में संबंधित विवेचक
और साथ ही थाना प्रभारी से जानकारी ली गई। वहीं प्रकरण में चालान लंबित रहने का जो कारण है वो जानकर एक सप्ताह के अंदर लंबित चालान को न्यायालय में पेश करने के निर्देश दिए गए। साथ ही लंबित अपराधों के संबंध में विवेचकों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर सभी विवेचकों और थाना चौकी प्रभारियों को लंबित अपराधों के निराकरण के लिए यथाशीघ्र जो है वो कार्रवाई करने के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। सरगुजा पुलिस की तरफ से नवीन कानूनों के क्रियान्वयन और परिपालन की दिशा में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन कर पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को लगातार प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। इसी क्रम को कोऑर्डिनेशन सेंटर में नवीन कानूनों के क्रियान्वयन की दिशा में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला में राजपत्रित पुलिस अधिकारियों समेत समस्त थाना चौकी प्रभारी और विवेचकों को विधिक विशेषज्ञ की ओर से प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वहीं सरगुजा पुलिस अधीक्षक ने प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि अगले महीने जुलाई से जिले में नवीन कानून परिपालन में लाए जाने हैं और नवीन कानून को जिले में लागू किए जाने की दिशा में थाना चौकी प्रभारियों और विवेचकों को नवीन कानून संबंधी धाराओं का ज्ञान होना आवश्यक है। पूरे प्रदेश में जहां रेत माफिया और अवैध कब्जे की बात चलती थी, अवैध खनन भी इससे पीछे नहीं है। अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में लगातार मुरम का जो अवैध खनन है वो लगातार जारी है, क्योंकि ये विधानसभा क्षेत्र पूरी तरीके से मोरंग से लैस है और इस वजह से कई उद्योगपतियों की नजर यहां पर होती है। हमने खास जायजा लिया अभनपुर का, जहां पर ग्राम राखी के पास में अवैध खनन चल रहा था, जिसमें कई सारी गाड़ियों को रोककर उनसे लाइसेंस की मांग की गई, परंतु उनका कहना है कि उन्हें कंपनी या फिर ठेकेदार ने कोई भी लाइसेंस नहीं दिया, साथ ही रॉयल्टी का भी कोई पेपर किसी के पास नहीं। और ऐसे में जब अभनपुर के एसडीएम और तहसीलदार को शिकायत की गई, तब भी कोई कार्रवाई वहां पर होती नजर नहीं आई। कार्रवाई के नाम पर केवल आश्वासन दिया गया, परंतु अवैध खनन अभी भी जारी है। पूरे प्रदेश में देखा जा सकता है कि अवैध खनन का मामला लगातार बढ़ रहा है। बात करें रेत की, मुरुम की या फिर अन्य जितनी भी चीजें होती हैं उनकी, तो देखा जा सकता है कि अवैध खनन जो है धीरे धीरे पूरे प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर रायपुर राजधानी की बात करें तो रायपुर राजधानी से लगा हुआ अभनपुर और उसमें चंडी गांव के मोहदी में अभी हम खड़े हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है ये पूरा मुरुम का गढ़ नजर आता है। आपको बता दें कि यहां से जो है देखा जाता है कि सबसे ज्यादा मुरुम निकलती है और इसी वजह से बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की भी नजर इसी एरिया पर पड़ती है। हाल ही में ऐसा हुआ था कि पिछले महीने की 18 तारीख को इस जगह से जो है कई सारे हाईवा को जब्त किया गया था और अभनपुर थाना में लाया गया था। और आपको बता दें कि उन सभी ट्रकों में जो है यहां से मुरुम एक्सट्रैक्ट की गई थी उस एरिया में और वहां से जो है मुरुम लेकर के जब्त की गई थी। आपको बता दें कि कुछ गांव वाले ही थे जिन्होंने इसका विरोध किया था। हालांकि जब हमने पंच सरपंच से बात की तो उनका यह कहना है कि उन्होंने खुद जो है खनन विभाग को प्रस्ताव दिया था कि इस जगह से जो है खनन करके जितना भी मुरुम है वो ले जाया जा सकता है। लेकिन वहीं अगर दूसरा पक्ष देखा जाए तो देख सकते हैं कि जो गांव वाले हैं वो क्यों विरोध कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर आप किसी गांव में रहते हैं और गांव वाले ही विरोध करें कि अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है और उस खनन में कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व है इसका भी जो है अभी तक पता नहीं चल पाया। हालांकि बात करें इस एरिया की तो देख सकते हैं कि काफी ज्यादा मुरुम जो है यहां पर नजर आ रही है। लगातार यहां पर खनन का काम जारी था। उस दिन जो है 18 तारीख को बताया जा रहा है कि रात को 8 से 7 बजे के बीच में जो है जब खनन चल रहा था तब गांव वालों ने विरोध किया, उसके बाद थाना में जो है इसकी जानकारी दी गई, फिर तहसीलदार भी जो है इसका संज्ञान लेते हुए पहुंची और अभनपुर थाना में बताया जा रहा है कि 6 से 7 गाड़ियां जो है वो वहां पर जो है खड़ी की गई। देखने वाली बात यह है कि ये जो अवैध खनन का मामला है वो क्या है और गांव वालों का इस पर पक्ष क्या है और इसमें देखा जाएगा कि तहसीलदार साथ ही में अभनपुर थाना की अगर बात करें तो ये क्या कुछ मामला है जो अवैध खनन का बताया जा रहा है। कैमरामैन नरेश राव के साथ करिश्मा सोनी, साधना प्लस न्यूज, रायपुर। नहीं, पंचायत से प्रस्ताव करके दिए थे हम लोग कि भैया ने खनिज विभाग वाले जो है ले जा सकते हैं इसे करके। अब भैया ने 2-3 दिन बाद शायद पुलिस वगैरह आए, अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो मेरे को मालूम नहीं, मगर गाड़ी वगैरह लेके थाना ले गए। कितनी बताया कि 7-1 गाड़ी लेकर गए करके। मतलब कुछ गांव के लोगों ने ही विरोध किया? हाँ, गांव के लोगों ने विरोध किया। कुछ पंचायत से प्रस्ताव हुआ यहाँ पर जो खनन हो रहा है, पंचायत द्वारा प्रस्ताव दी गई है, भारत माला में पूरा माल जा रहा है और रॉयल्टी होकर ही जा रही है पूरी। लेकिन कोई रॉयल्टी उनके पास है नहीं?
नहीं रियलिटी आप जाकर पता करिए, मिस्टर देव जी हैं वो पूरा रखे रहते हैं, बैठे रहते हैं ऐसे, वो पूरा करते हैं क्योंकि नंबर वन में जा रहे हैं। ऐसे भी क्या भारत माला में जाएगा, कितना क्यूबिक मीटर है, क्या है, कैसे, उसके आधार पर उनको देना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें नंबर दो वाला रूल ही नहीं रहता है सड़क पे है। हाँ, पंचायत प्रस्ताव होकर ही गया है वो, ऐसा एक भी ट्रिप ऐसा नहीं है इस प्रकार। हम झारखंड से पीट पास मिलता, मैं नया ये साइट पे आया हूँ। नहीं नहीं, वो आप भी सुपरवाइजर पास, ये अति पास है इसका, गाड़ी जा रही बेड में मुरू। नहीं, सुपरवाइजर पास है। नहीं नहीं, अभी नहीं है, रॉयल्टी कटता है, सुपरवाइजर सब रखता है, मिला है सरकारी सा, वो सुपरवाइजर पास है, बुक बुला रहे हैं। गाड़ी इधर बेलमाटा तरफ से, बेलमाटा उड़ गया मैडम, खाना खाने के लिए बैठा था दरवाजा, गर्मी अभी नहीं है, अभी नहीं है ना। हाँ। कहाँ जा रही गाड़ी? गाड़ी रोड में चल रही थी। रोड में कहाँ पहुँचेगी? 9 नंबर, 6 नंबर ऐसे डालना। कौन है कॉन्ट्रैक्टर? कौन है वो? साई कंस्ट्रक्शन के नाम से चलता है। अच्छा। अब नाम तो कौन है? नाम भैया जी कुमार साहू। कहाँ से आ रही गाड़ी? यही खदान से। खदान कहाँ से? एरिया अभनपुर में आता है, नहीं बेलभाटा में आता है। पिट पास है आपके पास ले जा रहे हैं गाड़ी? अभी तो नहीं है हम। तो आपको दिया नहीं गया है पिट पास, कि कैसा क्या है? शुरू से दिए नहीं गए हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब मालिक कौन है? पांडे जी, हरीश पांडे जी। अच्छा, किन के एसोसिएशन का है? एसोसिएशन मतलब क्या होता मतलब है? किनके उसका ले जा रहे हैं, किसका है? भाई जिनके ऑर्डर पे जा रहे हैं वो, कि विनय जी कुछ विनय के नाम से, यही पास में ही जा रहे हैं। भारत माला है, जो रोड बन रहा है जी, भारत माला नहीं, शायद इनके प्राइवेट प्लांट में कुछ जा रहे हैं। हाँ, तो गवर्नमेंट वाले में भी चल रहा था सर गाड़ी। नेशनल हाईवे का है जी मैम, यहाँ ये बन रहेगा अपना पास में। ये गांव बेलभाटा है, यहीं का रहवासी हूँ मैं जी। यहाँ पर जो है अवैध माइनिंग का काम चल रहा है, किस तरीके से, क्या है जी? यहाँ कम से कम 2-2.5 साल से चल रहा है यहाँ का माइनिंग जो है अवैध तरीके से। पंचायत की ओर से प्रस्ताव किया गया, कुछ तालाब वगैरह खोदने के लिए कुछ ये करके किया गया था, और उसमें आप कितना रॉयल्टी वगैरह निकाले तालाब के नाम से, कुछ तालाब का शासकीय का कुछ रॉयल्टी खोदा जा रहा था, तो चलते 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 उसके आसपास जितना भी घास जगह है उसको भी खोदना शुरू कर दिया, क्रमिक ये करके चलते रहा। तो ये है पूरा। और कुछ किसानों का के नाम में जो ये है, किसानों के नाम में जो प्रस्ताव लेके ये करके इस तरह का जो ये है खोदने का, उसके आड़ में घास जमीन का भी खुदाई कर रहा है जो ये जो खोदने वाले माफिया लोग हैं। लगभग लगभग यहाँ 100 एकड़ के आसपास करीब खोदा गया है पूरा बेलभाटा में। हाँ, लगभग ऐसा काम अभी जारी है पूरा, ये देख सकते हैं करके। शिकायत मैं किया था लंबे समय से, जिसके मैं कलेक्टर को भी किया था, माइनिंग ऑफिसर को किया था, SDM को किया, तहसीलदार को किया और थाना प्रभारी को किया हूँ। क्या कुछ उनकी तरफ से प्रतिक्रिया? उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया ये करके नहीं आई, सिर्फ लिपापोती करने का एक प्रयास किया जा रहा है। तो इसी संदर्भ में सभा ये करके, इन नाली के आसपास जितना सब खोदा गया है ये पूरा सब घास में आता है, और इधर भी घास पड़ेगा जो है आपका, ये है इस तरह का जी। और मंत्रालय भी जो माइनिंग जो है, माइंस वगैरह मंत्रालय है, केंद्रीय मंत्रालय है, और तमाम सचिवालय वगैरह उसमें दिया हूँ मैं, मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स है, आप देख सकते हैं। देखिए, माइनिंग को लेकर चाहे प्रशासनिक अमला हो या माइनिंग डिपार्टमेंट हो, दोनों ही अभी कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ मोर्चे पर जॉइंट भी किया जाता है, कुछ मोर्चे पर पृथक पृथक भी किया जाता है। तो हमारे तहसीलदारों ने और प्रशासनिक अमले ने भी स्वयं जाके कई जगह पे अभी विगत दिनों में कार्यवाही की है, और आगे भी जो कार्यवाही जारी रहेगी। जी देखिए, अभी अभी फिलहाल तो जैसे जैसे सूचना मिलती जा रही है, हम लोग जाके कार्यवाही कर रहे हैं, और मोस्टली जो होता है ये लोग रात में ऑपरेट करते हैं, तो वैसे में
रात में भी कई बार गश्त में निकलते हैं, तो जो भी गाड़ी मिलती है अवैध रूप से चलते हुए उस पर कार्रवाई करते हैं। लगातार अवैध माइनिंग का काम जो है अभनपुर से लगे हुए जितने भी इलाके हैं उसमें देखने को मिल रहा है। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि जब दूसरी जगह भी हम गए तो बता दें कि ग्राम राखी के पास भी हमने देखा कि अवैध माइनिंग जो है धड़ल्ले से चल रही है। अगर वहां पर जो गाड़ियां खनन हो रहा है और मटेरियल लेकर निकल रही है, जब उनसे पूछा जाता है तो ना ही उनके पास कागजात मिलते हैं, ना ही कोई परमिशन मिलती है, ना ही कोई रॉयल्टी मिलती है। और अगर लगातार हम देख सकते हैं कि अभनपुर में अभी हम खड़े हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तहसीलदार के यहाँ भी हमने जो है इस चीज का संज्ञान दिया है, उसके साथ साथ एसडीएम को भी बताया, लेकिन तत्काल कार्यवाही करने के लिए कोई जो है यहाँ पर निष्पक्ष नजर नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि ये जो चीजें हैं लगातार संज्ञान में लाई जा रही है, धीरे धीरे कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो माइनिंग है वो तो धड़ल्ले से चल रही है। तो ऐसे में जब माइनिंग चल रही है तो माइनिंग अगर रुकेगी नहीं, जब कागजात नहीं होंगे, तो फिर किस तरीके की कार्यवाही की जरूरत यहाँ पर नजर आ रही है। और भी जगहों पर जब हम गए तब हमने देखा कि किस तरीके से जो है जितने भी इलाके थे उन्हें इतना ज्यादा जो है खोदा जा चुका था कि वहां पर बड़े बड़े तालाब बन चुके हैं, गड्ढे बन चुके हैं, और देखा जा सकता है कि वहां पर प्रशासन जो है कोई भी कार्रवाई करता नहीं नजर आ रहा है। कलेक्टर से बात की जाती है, बड़े अधिकारियों से बात की जाती है, लेकिन कोई भी जो है एक्शन जो है तुरंत नहीं ले रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि कार्यवाही कब होती है और ये जो अवैध माइनिंग का काम है वो कब तक थमता है। कैमरामैन नरेश राव के साथ करिश्मा सोनी, साधना प्लस न्यूज, रायपुर। अंबिकापुर विकासखंड अंतर्गत प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र नवा नगर में आपको बताते चले कि प्रसूता की तरफ से जमीन पर प्रसव किए जाने की घटना संज्ञान में आते ही कलेक्टर विलास भोसकर ने सीएमएचओ को विस्तृत जांच करने के निर्देश दिए हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए जिला स्तरीय जांच दल, मुख्य चिकित्सक और स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक और जिला मितानिन समन्वयक की भी आपको बताते चले कि उपस्थिति में जांच की गई है। सीएमएचओ आर एन गुप्ता ने भी बताया कि जांच के तहत सभी के समक्ष उक्त प्रकरण के बारे में बयान भी लिया गया और प्रसूता महिला और नवजात बच्चे को देखा गया है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रसूता महिला और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। वहीं समस्त अधिकारी और कर्मचारी मितानिन को बयान लेने के पश्चात और दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत सीएमएचओ ने खंड चिकित्सक अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर कार्रवाई की है, जहां पर रात्रिकालीन स्टाफ एएनएम मीना चौहान की तत्काल प्रभाव से हटाकर आयुष्मान मंदिर रेवापुर में कार्यदेशित किया गया और साथ ही ड्यूटी में पदस्थ स्टाफ नर्स बिना पूर्व सूचना के स्टाफ नर्स कन्या पैकड़ा कार्यक्रम में अनुपस्थित थी, उनको भी निलंबित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन राज्य लघु वनोपज संघ की ओर से वन धन विकास योजना के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज का संग्रहण किया जाता है। ग्राम स्तर पर महिला स्वयं सहायता समूह की ओर से अच्छे गुणवत्ता युक्त और बड़े आकार के लघु वनोपज माहुल के पत्तों को तोड़कर माहुल पत्ता का संग्रहण जंगलों में जाकर किया जा रहा है और माहुल पत्ता संग्रहण से 1500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से संग्राहकों को आय प्राप्त होती है। वहीं दूसरी ओर संग्रहित माहुल पत्ता का वन धन विकास केंद्र पर समूह की महिलाओं की ओर से दोनों पत्तल आदि बनाया जाता है और आपको बताते चलें कि जिससे उन्हें अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। इसी कड़ी में सरगुजा वृत्त के मुख्य वन संरक्षक के मार्गदर्शन में सरगुजा वन वृत्त अंतर्गत जिला कोरिया के वन धन विकास केंद्र सोहनत के एकता महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं की तरफ से भी द्वितीयक प्रसंस्करण कर बायो रिकेबेडल दोना पत्तल जो है वो निर्मित किया जा रहा है और समूह की 13 महिलाएं मेहनत और लग्न के साथ दोना पत्तल निर्माण कर अतिरिक्त आय प्राप्त कर रही हैं। जिले में 5 जून से 12 जून तक स्वच्छ हरित सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में कलेक्टर विलास भोसकर के मार्गदर्शन और सीईओ जिला पंचायत नूतन कवर के निर्देशन में जनपद पंचायत अंबिकापुर के विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल ग्राम घांगरी में पर्यावरण प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कवर की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में भू जल को रिचार्ज करने, सोक पिट और साथ ही आपको बताते चले कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के जरिए बारिश के पानी को जो है वो दोबारा से भूतल तक पहुंचाने की जानकारी ग्रामीणों को दी गई है। इस तरह से गांव को स्वच्छ बनाए रखने का भी संदेश दिया गया। इस दौरान ग्रामवासियों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों के साथ प्रशासनिक टीम ने भी सार्वजनिक नलकूप हैंडपंप के आसपास सफाई की है। इस अवसर पर पीवी
टीजी समुदाय के लोगों को भी स्वच्छता का जो किट है वो भी वितरित की गई है। खबर पन्ना से है जहां पर पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा किया है। आपको बताते चले कि पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए लूट को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में लूटा गया एक मोबाइल, एक बाइक और साथ ही घटना में प्रयुक्त एक अवैध कट्टा और एक जिंदा कारतूस, एक बाइक और साथ ही आपको बताते चले कि आरोपियों से दो मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। फिलहाल पूरे मामले की जांच लगातार जारी है। घटना है जिसमें एक देवेंद्र नगर में फुलवारी तिराहे के पास एक व्यक्ति के साथ लूट हुआ था। इसमें उसकी मोटरसाइकिल और उसके पास जो फोन है इस चीज को लोग छुड़ा ले गए थे और ये भी कहा था फरियादी ने कि उसके लिए बंदूक का इस्तेमाल किया था उसको डराने के लिए। तो थाना देवेंद्र नगर द्वारा कार्रवाई करते हुए जो टीम गठित की गई इसमें थाना प्रभारी, सब इंस्पेक्टर कृष्णा मावई, साइबर के लोग, इनके द्वारा काफी अच्छी कार्रवाई की गई है और चार पांच दिनों में इन्होंने आरोपियों को ढूंढ निकाला है। इन आरोपियों को ढूंढने के लिए लगभग 35-40 अन्य इस टाइप के संदिग्ध लोगों को इन्होंने खंगाला, जिसमें जेल रिहाई, जिसमें इस टाइप के विभिन्न अपराध करने वाले पुराने लोग और जो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं इसमें जो प्रकाशित आरोपी हैं, इन सबको इन्होंने देखा और हुलिया जो है वो मिलान करके फाइनली जो है आरोपी तक पहुंचे हैं। इसमें दो आरोपी गिरफ्तार हैं, दोनों ही नागौर थाने के रहने वाले हैं। इसमें एक आरोपी है जिसकी उर्फियत गजनी है, उसके ऊपर लगभग 6-7 पहले से ही चोरी। सरगुजा पुलिस की ओर से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ लगातार सख्ती से कार्रवाई कर आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस ने दुकान से समरसेबिल पंप चोरी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने समरसेबिल पंप चोरी मामले में 3 आरोपी और एक खरीदार समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 8 समरसेबिल पंप बरामद किए हैं, जबकि जिनकी जो बाजारी कीमत है वो 1,00,000 रुपए आकी जा रही। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। महासमुंद जिले में सरायपाली वन विभाग की टीम ने लकड़ी तस्करी के एक मामले में बड़ी कार्रवाई की है। लकड़ी तस्करी में लिप्त 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही। वन विभाग ने मीडिया को जारी किए गए एक प्रेस नोट में बताया कि महासमुंद जिले के सरायपाली वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम बेलचक्री और साथ ही सागरपाली के बीच में एक 407 वाहन में लकड़ी तस्करी की सूचना पर वाहन को घेराबंदी कर पकड़ा गया और वाहन की तलाशी लेने पर उसमें भारी मात्रा में बेशकीमती खैर लकड़ी परिवहन करते पाया गया। वाहन में 2 लोग सवार थे, जो कि उक्त लकड़ी ग्राम मल्दामाल से ओडिशा के प्रशांत ढाबा तक लकड़ी का परिवहन कर रहे थे। बहरहाल उक्त लकड़ी को वाहन सहित जब्त कर भारतीय वन अधिनियम की अलग अलग धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही। बताया ये भी जा रहा कि इस कार्रवाई में वन परिक्षेत्र अधिकारी प्रत्युष तांडे सहित डिप्टी रेंजर रविलाल, आपको बताते चले कि रवि लाल निर्मलकर और मुकेश कुमार निषाद, ज्वाला प्रसाद, ललित पटेल, दिनेश प्रधान और वन कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बसना में नगरीय प्रशासन ने बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई की। आपको बताते चले कि नगर पंचायत सीएमओ ने जीएनजीटी गाइडलाइन के अनुसार श्रीराम जानकी मंदिर तालाब किनारे बसे व्यावसायिक दुकानदारों आवासियों को 3 दिन पहले नोटिस जारी करके जगह खाली करने के निर्देश दिए गए थे। उसके बाद में मलबा हटाने को लेकर दोबारा से नोटिस जारी किया गया, जिसके बाद अलग अलग खाली किए जाने की समय सीमा समाप्त होने पर नगरीय प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को मुक्त करने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई की है, जिसमें नगर पंचायत अध्यक्ष सहित पूरे नगरवासी आक्रोशित हैं। और साथ ही आपको बताते चले कि एनजीटी के नियमानुसार तालाब किनारे मेड़ पर बनी दुकानें और आवास निर्माण से जीव जंतु और बायोडायवर्सिटी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तालाब एरिया अतिक्रमण के कारण जो है आपको बताते चले कि छोटा भी पड़ रहा था, जिसके कारण भू जल स्तर और निस्तारी पर प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। इसी को देखते हुए नगरीय प्रशासन ने कार्रवाई की है। जा रही जबरदस्ती, कानून को नजरअंदाज करते हुए कानूनी तौर पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पूरे बसना की पब्लिक जानती है कि ये 5 बिल्डिंग का हमने पुनः आवेदन हाईकोर्ट पर लगाया था और सभी लोगों को पता है कि 5 बिल्डिंग हमारी जो है 90% से ज्यादा स्थिति में खड़ी हुई थी। उसके बाद भी उन्होंने बदनीयती के साथ लेके और ऊपरी दबाव से, राजनीतिक दबाव से
हमारे पास मतलब आकर उनको 10 बार निवेदन किए कि आप जो है गलत कर रहे करके, लेकिन हमारी बात को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने पोकलेन और 4 JCB लाके मतलब जो गलत ढंग से हमारे जो निर्माण कार्य किए हुए थे उस पर मतलब जो बुलडोजर चला के कार्रवाई किए। और जितने भी मतलब जो है यहाँ पर बहाना ये बना के आया गया था कि आज मलमा उठाएंगे करके, लेकिन मलमा जो है सिर्फ धोखा था हमारे साथ, बिल्डिंग को उड़ाया है आज हमको धोखे में रख के। और वो लाख निवेदन करने के बाद भी पूरे पब्लिक के उन्होंने नहीं माना इस बात को और अपनी कार्रवाई को नहीं रोका। जब 4 बजे कलेक्टर साहब का आदेश आया हाई कोर्ट से सुनने के बाद, तब जाके उन्होंने मतलब जो थामा, नहीं तो अगर वो आदेश आज नहीं आता तो सचमुच ये जो है नस्ता नाबूद करने के पूरे फिराक में आए हुए थे यहाँ पर। 10 तारीख तक इस केस की सुनवाई होनी थी हाई कोर्ट से, जिसके चलते मुझे कोई जानकारी बिना दिए सीएमओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम के द्वारा सुबह 8 बजे से आकर मलबा उठाएंगे कहकर 4 JCB लेकर पहुंचे और तोड़ना ताबड़तोड़ तोड़ना शुरू कर दिए। और उसके बाद भी उनको संतुष्टि नहीं हुई, उसके बाद उसकी संतुष्टि नहीं होने के बाद भी फिर उन्होंने पोकलेन मंगवा लिया और उन्होंने नस्ती करके पहले दे दिया बोल के बोला था। और आज नस्ती 10 तारीख तक उन्होंने रिपोर्ट मांगा था कोर्ट ने, तो उसका जवाब देने के लिए उन्होंने नस्ती करने के लिए दिखाने के लिए आज जैसे भी आप पोकलेन ला के यहाँ बुलडोजर लगा गए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।